हेलो एवरीवन यार, देखो पीरियोडिक टेबल और स्ट्रक्चर बनाने का रूल पढ़ाने के बाद मैं तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने वाला था, बट मैं बोल रहा हूँ यार केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में यूज़ होंगी, इसलिए हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ेंगे उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ओके ठीक है यार, चलो देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम किन किन टॉपिकों को पढ़ेंगे। ओके अब देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट जो होता है वेव या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होता है, दूसरा पार्ट जो होता है बोहर मॉडल ऑफ एटम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड होता है। दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया और दोनों पार्ट में कौन कौन सी टॉपिकें पढ़नी है ये भी मैं बता रहा हूँ। हालांकि देखो बुक्स में तुम्हारा जो दिया होगा बोहर मॉडल ऑफ एटम है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है लोग पहले पढ़ाते हैं, बाद में पढ़ाते हैं वेव या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि बोहर मॉडल ऑफ एटम फेल्ड होने के बाद ये मॉडल आया था, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या फिर इसे ही वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, इन दोनों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ये टोटली तुम्हारा होता है कैलकुलेशन बेस्ड और ये टोटली तुम्हारा थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है। तो इसलिए देखो ये पार्ट जो होता है इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इसे पहले पढ़ाऊंगा, इसे बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब देखो यार कौन कौन से टॉपिक टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे। देखो पहले देखो बेसिक से हम पढ़ेंगे, किसी भी चैप्टर की बेसिक चीज़ होती है ना उसकी आत्मा होती है, इसलिए मैं बताता हूँ बेसिक से मैं हर चीज़ें स्टार्ट करूँगा, क्योंकि हर एक अच्छा क्वेश्चन जो होता है वो बेसिक से ही सॉल्व होता है। ओके तो देखो पहला हम इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल सब सेल एंड ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे, कि ऑर्बिटल्स का शेप कैसा होता है, कौन सा डायरेक्शनल ऑर्बिटल, कौन नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, कौन सा तुम्हारा एक्सियल ऑर्बिटल होता है, कौन सा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है, किसके पास कितने नोडल प्लेन होते हैं, कितने नोडल एक्सिस होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सब पढ़ेंगे हम पहले लेक्चर्स में। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन दैट इज क्वांटम नंबर। तुम लोग जानते होंगे कि क्वांटम नंबर जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस को मतलब बताते हैं, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताती है। ठीक है, तो दूसरा हम इलेक्ट्रॉन के इन्फॉर्मेशन बारे में पढ़ेंगे या फिर उसे ही कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ओके थर्ड जो इसका पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन लिखने का, जो तीन रूल होता है हुंड्स रूल, पाउली रूल और राफबाउ रूल, ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद ये एडवांस लेवल का एक टॉपिक आ जाता है वेव ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेव फंक्शन जिसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जेई एडवांस में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, ये चार चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें कवर करने के बाद जैसे कि मैं क्वेश्चंस भी लगवाता हूँ, तो थ्योरी पूरी पढ़ाने के बाद मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लगवाऊंगा। ओके बोहर मॉडल ऑफ एटम में टोटली कैलकुलेशन करते हैं, पहला कैलकुलेशन क्या करते हैं, किसी गिवेन ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और एनर्जी निकालते हैं। देखो तीन ही कैलकुलेशन तुम्हें मिलेगी, बेस रेडियस की, एनर्जी की और वेलोसिटी की, और भी अगर कोई कैलकुलेशन तुम्हें मिलेगी तो वो होगा वेवलेंथ वगैरह वगैरह पे कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तो देखो पहला जो कैलकुलेशन करेंगे रेडियस से रिलेटेड करेंगे, दूसरा कैलकुलेशन जो होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर ए गिवन ऑर्बिट का होगा, तीसरा जो होगा एनर्जी से रिलेटेड होगा कि किसी इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी निकालनी होगी। अब एनर्जी के साथ साथ तीन टाइप की और एनर्जी हमें पढ़नी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी और सेपरेशन या फिर इसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ओके ये टर्म्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इन टर्म्स को याद रखोगे तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तुम लोग जानते होगे कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक इमिजन स्पेक्ट्रम होता है, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो हमें जो स्पेक्ट्रम पढ़ना है वो हाइड्रोजन का डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ना है, जिसे हम इमिजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और तुम लोग जानते होगे सात सीरीज होती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ऐसे करके पाँच छः सीरीज होती हैं जिनके बारे में हमें कैलकुलेशन करना है एनर्जी के बारे में। ओके तो यही पूरा कंटेंट है यार एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अब मैं हर चैप्टर पढ़ाने से पहले ऐसे क्यों लिख देता हूँ कि तो चलो यार अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल सबसेल एंड ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, अब देखो यार इतना तो जानते होगे कि एटम्स के बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे सेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस के चारों ओर सेल होती है उसे एन इक्वल्स टू वन, एन इक्वल्स टू थ्रू थ्री, और ऐसे ही एक और सेल होगी तो उसे एन इक्वल्स टू थ्री करके रिप्रेजेंट करते हैं। ओके अब यार देखो सेल और ऑर्बिटल की जो डिफिनेशन होती है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, बट डिफरेंस क्या होता है,
देखो सेल की डेफिनेशन क्या होती है कि द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। न्यूक्लियस के चारों ओर का वो 3D स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसे सेल कहते हैं। और इसका देखो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है, द 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है वो होता है ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस सेल और ऑर्बिटल के डेफिनेशन में कन्फ्यूजन होता है तो इसे तुम ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, तो चलो यार इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, अब मेन बात पे आता है। देखो न्यूक्लियस के चारों ओर कई सारे सेल होती हैं जिन्हें हम ए सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर इसे ही हम कहते हैं n=1, n=2, n=3, n=4, n=5। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ये भी बढ़ते जाता है, देख ओके। देखो अब सेल्स के अंदर कई सारे सब सेल होते हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर कई सारे सब सेल्स होते हैं, ये जानते हो क्या तुम लोग? सब सेल किसे कहते हैं हम? सब सेल क्या होते हैं? SPDFGH ये सारे क्या होते हैं? आपके सब सेल होते हैं। ठीक है, SPDF ये सारे सब सेल होते हैं। सेल के अंदर होता है सब सेल, और सब सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। ये जो चार्ट बना रहा हूँ इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा। ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेल, सेल के अंदर कई सारे सब सेल्स होते हैं, सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब किसी सेल के अंदर कितने सब सेल होते हैं ये डिपेंड करता है कि इस सेल का नंबर क्या है। जितने नंबर की सेल होगी उतने इसके पास सब सेल होंगे। जैसे कि n=1 है तो इसके पास कौन सा सब सेल होगा? ओनली एक सब सेल होगा, 1s। ठीक है, जैसे n=2 है तो इसके पास दो सब सेल होंगे, 2s, 2p। ठीक, अगर n=3 है तो इसके पास तीन सब सेल होंगे, कौन कौन से? 3s, 3p, 3d। ठीक है, जितने नंबर की सेल होगी उतने नंबर आप सब सेल उसके पास होंगे। n=4 के पास कौन सी सब सेल होगी? 4s, 4p, 4d और 4f। इसी तरह n=5 के पास क्या हो जाएगा? 4s, 4p, 4d, 4f, सॉरी यार 5 यहाँ कर लो, ठीक है, 5, ठीक है, और ये 5g हो जाएगा। ठीक, तो क्या जितने सेल्स के पास किसी सेल्स के पास कितने सब सेल होंगे ये डिपेंड करता है कि उस सेल की नंबर क्या है। जितने नंबर की सेल है उतने सब सेल हो जाएंगे। ओके, ये ठीक है। अब देखो किसी गिवन सेल के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। देख जैसे कि मान लो n=2 दे दिया और उसमें पूछ दिया कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, तो n=2 में कितने सब सेल है? दो सब सेल है, एस सब सेल और पी सब सेल। और तुम लोग जानते होगे कि एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास पांच ऑर्बिटल होता है, एफ के पास सात ऑर्बिटल होता है और जी के पास 9 ऑर्बिटल होता है। मतलब हर बार दो दो बढ़ते जाता है, 1 में 2+ करो 3 आ गया, 2 में 3+ करो 5 आ गया, 5 में 2+ करो 9, ऐसे ही दो दो ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं हर बार। ठीक है, तो अगर अगर तुमसे पूछ दिया कि n=2 के लिए बताओ कितने सब सेल, कितने ऑर्बिटल और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो देखो n=2 के लिए सब सेल कौन कौन से? 2s और 2p। और s के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल। p के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं तुम्हारे? तीन ऑर्बिटल, मतलब टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज मैं सबका लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे n=1 के लिए कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? एक ऑर्बिटल, क्योंकि इसके पास एक ही सब सेल है, एस सब सेल, और एस सब सेल के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। उसी तरह n=2 के लिए इसके पास दो सब सेल है, एस और पी, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? 4 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह n=3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? इसके पास एक, इसके पास तीन, इसके पास पाँच, कितना हो गया? 5 और ये 4, 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह n=4 के लिए 4 सब सेल इसके पास, एस पी डी एफ, काउंट करो कितने हो जाएंगे? तो ये 4 और ये 5, 9, 9, 7, ये 16 हो जाएंगे। ठीक,
ऐसे काउंट, अगर तुम्हें पता चल गया कितने सबसेल हैं तो सबसेल्स किस सबसेल्स के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं तुम काउंट नहीं कर लोगे। उसी तरह देखो यहाँ 5 सबसेल है, यहाँ तक तो 16 आ गया, 16 में 9 जोड़ दो कितना आ गया, 16 9 25 हो गया। ओके, तो अगर तुम्हें एन की वैल्यू पता चल जा रही है तो तुम सबसेल निकाल सकते हो, ऑर्बिटल निकाल सकते हो और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हो। ये तो जानते होगे यार कि एक ऑर्बिटल मतलब एक और इस डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं, एक डब्बे में तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक डब्बे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 डब्बे में कितने होंगे, 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, 9 डब्बे में कितने होंगे, 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन, 16 डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 × 2 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसी तरह 25 वाले में कितने हो जाएंगे, 25 × 2 50 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 में 8 8 हो जाएंगे, 9 में 18 हो जाएंगे, 2 से बस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो याद रखो यार, सेल्स के अंदर होती हैं सबसेल, सबसेल्स के अंदर होता है ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स। और इस चार्ट के ऊपर तुम बोर्ड में तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, और तुम नीट और चाहे जेई मेंस का कोई भी पेपर देख लो तो उसमें 4 से 5 क्वेश्चन है इस पे डिपेंड आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो यार, एक ट्रिक होता है याद करने का, सेल को घर कहते हैं क्योंकि सेल का साइज बड़ा होता है, ठीक है। सब सेल को क्या कहते हैं, कमरा कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा घर है, ठीक है, घर को सेल कह दिया, घर में तुम्हारा जो कमरा है उसे सब सेल कह दिया, ठीक है। कमरे में जो अलमारी है, हाँ तुम्हारी अलमारी है उसे हम कह दिए ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल अलमारी में जो किताब है उसे कह दिए इलेक्ट्रॉन। भैया पढ़ते लिखते होगे तो अलमारी में किताब ही होगी, ठीक। तो देखो, सेल सबसेल ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन, सेल को घर से रिप्रेजेंट कर दिया, सबसेल को कमरे से, ऑर्बिटल को अलमारी से, और इलेक्ट्रॉन को किताब से, ओके। तो ये याद करने का तरीका है यार, और इस पे देखो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, अभी देख। नीट का ही ले लेते हैं, नीट में भी देखा था मैंने, और एम्स में भी क्वेश्चन आया था कि अब देखो यार, हर बार तो हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, मतलब ऐसे SPDF नहीं लिखेंगे, पहले तो इसके लिए फार्मूला तैयार कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो किसी गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने हो जाएंगे, n ही होंगे, ठीक है, क्योंकि n इक्वल्स टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने हैं, 3। वैसे अगर n इक्वल्स टू n दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे, ठीक है। वही तुम्हारा अगर n इक्वल्स टू 3 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जा रहा है, एन 3 का स्क्वायर 9। अगर एन इक्वल्स टू 4 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो जा रहे हैं, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। एन इक्वल्स टू 5 है तो ऑर्बिटल कितने हो जा रहे हैं, टोटल एन का स्क्वायर 25। तो ऑर्बिटल टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, एन स्क्वायर के बराबर। अगर कोई एन की वैल्यू दे दी गई है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल एन होंगे, बट ऑर्बिटल कितने होंगे, उसके स्क्वायर के बराबर। अब भैया एक बार ऑर्बिटल पता चल जा रहे हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो 2 × नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तुम्हारे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर तुम्हें डायरेक्टली दे दे कि एन इक्वल्स टू 4 के लिए बताओ कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखो सबसेल कितने होंगे, 4 ही होंगे, ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे तुम्हारा, 4 का स्क्वायर कर दो 16 हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो 32। तो हर बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूला को याद रख के तुम आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो n की वैल्यू देके ऐसा करके पूछता है, और n की वैल्यू देके पूछा भी है, एम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ओके। अब यहीं पे तुम्हारा l की वैल्यू भी देके पूछ लेता है, जैसे कि ये देखो एक क्वेश्चन आया था, l इक्वल्स टू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने होंगे, ठीक। तो तुम लोग इतना तो जानते होगे यार कि s के लिए l की वैल्यू जो होती है 0 होती है, एस के लिए एल इक्वल्स टू 0 होता है, पी के लिए एल इक्वल्स टू तुम्हारा 1 होता है, डी के लिए एल इक्वल्स टू 2 होता है, ऐसे ही बढ़ते जाता है, एल और एफ के लिए एल इक्वल्स टू 3 होता है। इतना तो जानते हो गया एल की वैल्यू किस सबसेल्स के लिए क्या क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होती है, ओके। तो अगर एफ सबसेल के लिए एल की वैल्यू एल इक्वल्स टू 3, मतलब कौन सा सेल है, सबसेल है एफ सबसेल, और भैया एफ सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं,
ठीक, सात ऑर्बिटल मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। यार एक लाइन के सवाल होते हैं, बस चीज़ें तुमको याद रखनी है, ठीक है? और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो या फिर बोर्ड एग्जाम के पेपर सॉल्व करो, ठीक है? तो ये तो हो गया यार पहला पार्ट इसका, ठीक। अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। अब चलो ऑर्बिटल के शेप और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है? और ये अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, ओके? देखो हर ऑर्बिटल के बारे में ये तीन चीज़ें तुम्हें जाननी है, कि कौन सा एक्सियल ऑर्बिटल होता है, कौन सा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है, कौन सा डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, कौन सा नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, और कौन सा किसके पास कितने नोडल प्लेन होते हैं, ये तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? बोर्ड एग्जाम में तो बहुत पूछता है, कभी कभी जेई मेन्स या एडवांस के एग्जाम में भी पूछ देता है, ठीक है? तो देखो यार, एक्सियल ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल होते हैं? वो ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स जो होती हैं एक्सिस के अलोंग होती हैं। एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस, ठीक है? ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स जो होती हैं किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग होती हैं। ऑर्बिटल इन विच लोब्स आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस, ऐसे ऑर्बिटल एक्सियल ऑर्बिटल कहलाते हैं। ठीक, इसका ऑपोजिट कर दो, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन से हो जाएंगे? ऑर्बिटल इन विच लोब्स आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सिस, मतलब किसी एक्सिस पे तो नहीं होंगी लेकिन एक्सिस के बीच में होंगी। अभी मैं सबका एग्जाम्पल दूंगा, सभी ऑर्बिटल के शेप के बारे में पढ़ेंगे और उनकी ये सारी प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके? तो देखो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है वो होते हैं जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस होती हैं, एक्सियल ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी लोब्स किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं, ठीक है? अब डायरेक्शनल ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल कौन सा होता है? डायरेक्शनल ऑर्बिटल मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगी। वो ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में होंगी वो डायरेक्शनल ऑर्बिटल होंगे। पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में बोलने का क्या मतलब, लोब्स अगर एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में है तो जहाँ, देखो पहले बात तो जान लो, जहाँ लोब्स होती हैं जहाँ तक, वहाँ तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होती है। अगर लोब्स पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में है, पर्टिकुलर फिक्स एक्सिस पे हैं, तो वो ऑर्बिटल तुम्हारा डायरेक्शनल ऑर्बिटल होगा, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर उधर है, किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन पे रहे हैं, या ना ही एक्स एक्सिस, ना ही वाई एक्सिस, ना ही जेड एक्सिस, या फिर किसी भी अदर फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है? तो डायरेक्शनल बोलने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में होनी पड़ेगी, ठीक है? अब देखो नोडल प्लेन क्या होता है, तुम लोग जानते होगे यार, नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है जीरो होती है, और मैथमेटिकली रूप से इसे हम कहते हैं साई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। साई स्क्वायर को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसे ऑर्बिटल वेव फंक्शन कहते हैं, ठीक है? इसका ग्राफ होता है, हम लास्ट मतलब बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके? तो ये तीन चीज़ें जान गए, एक्सियल, डायरेक्शनल, नोडल प्लेन, ओके? अब देखो एस सबसेल के पास तुम लोग जानते होंगे एक ऑर्बिटल होता है, और इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। एस सबसेल का जो शेप होता है, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अब एस ऑर्बिटल के लिए तीनों चीज़ें हम देखते हैं, एक्सियल है कि नॉन एक्सियल है, डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है, नोडल प्लेन इसके पास कितने हैं, ठीक? तो देखो मैंने क्या कहा, एक्सियल ऑर्बिटल वो होते हैं जिनमें लोब्स जो है इनकी पैरामीटर्स जो है वो पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यार एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, क्या इसकी ये जो लोब्स है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग दिख रही है कि हर जगह दिख रही है? ये तो हर जगह है, तो अगर हर जगह है मतलब पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है? एस ऑर्बिटल जो है तुम्हारा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो जाएगा। अब देखो डायरेक्शनल ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स एक्सिस में, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस के लॉन्ग, ओके? तो देखो यार यहाँ तो इलेक्ट्रॉन हर जगह मौजूद है, हर जगह है, जैसे स्फेरिकल, जैसे यार एक फुटबॉल होता है, फुटबॉल में हवा हर जगह समान होती है कि तुम्हारा कहीं कम ज़्यादा होता है? कम ज़्यादा तो होता नहीं, हर जगह समान होता है। उसी तरह स्फेरिकल शेप होने का इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है हर जगह इक्वल होती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती। तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है तो ये नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है? नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल होता है, ठीक है? अब नोडल प्लेन के बारे में बात कर लेते हैं, नोडल प्लेन इसके पास कितने होते हैं? भैया यहाँ कहीं लग रहा है कि किसी एक्सिस के अलॉन्ग या किसी प्लेन पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो सकता है, हर जगह देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी। वैसे देखो नोडल प्लेन कैसे पहचानते हैं, हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और दो एक्सिस को मिला के तुम्हारे एक प्लेन बनता है,
ठीक है, तो हमारे पास कितने प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, जेड एक्स, ये तीन प्लेन होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे तो एक्स एक्सिस अगर देखो तीन प्लेन होते हैं, अगर तीन ये जो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो को मिला के एक प्लेन बन गया, अगर एक भी एक्स जैसे एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है, तो भी हम कहेंगे कि यह नोडल प्लेन नहीं है। मतलब नोडल प्लेन कहने के लिए इन दोनों एक्सिस के अलॉन्ग या इस दोनों प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी है, तो इसमें सभी हर एक डायरेक्शन में या हर एक प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जा रही है, तो यहाँ नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे एस ऑर्बिटल के पास, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होता है, साथ ही साथ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है, और इसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, अब पी सबसेल के बारे में पढ़ लेते हैं यार। देखो पी सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ यार, मेरे पास जगह कम है। पी सबसेल के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं, तीनों का नाम क्या होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, जो ये एक्स वाई जेड लिखा रहता है ना, ये एक्सिस को बताता था, उस एक्सिस को बताता है जिस पे इसकी लोब्स होंगी। ठीक है, और जिस एक्सिस के अलॉन्ग लोब्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी उसी एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ओके, तो देखो पी एक्स का जो सेप होता है, ये पी वाई का सेप और ये पी जेड का सेप, ठीक है, ये पी जेड का सेप, पी एक्स ऑर्बिटल, देखो पी एक्स ऑर्बिटल पी सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं ये डमरू के आकार के होते हैं, इसलिए इसे कहते हैं डम्बल शेप, डम्बल शेप के होते हैं। ठीक है, ये डम्बल शेप के होते हैं। अब देखो यार इनके लिए हम तीनों चीज़ें लिखते हैं, ये पी एक्स का है सेफ है क्योंकि इसके लोब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ये पी वाई का तुम्हारा सेफ होता है, इनके लोब्स क्या होंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, पी जेड का सेफ होता है, इसके लोब्स जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी। ठीक है, अब देखो तीनों ऑर्बिटल्स के लिए प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, देखो एक्सियल ऑर्बिटल क्या कहा था, लोब्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो तीनों को देखो लोब्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, इसकी लोब पी एक्स की लोब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पी वाई की लोब जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और पी जेड की जो लोब्स है वो देखो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो तीनों पी और पी सबसेल के तीनों जो ऑर्बिटल होते हैं वो तुम्हारे एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा था, लोब्स जिस डायरेक्शन में होती हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वहीं तक होती है या उसी डायरेक्शन में होती हैं, तो देखो यार लोब्स क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है पी एक्स की, पी वाई की लोब्स क्या है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, पी जेड की लोब क्या है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, इसमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी, इसमें जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ठीक है, तो सबकी जो लोब्स हैं वो किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसमें पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में होंगी, तो ये तीनों ऑर्बिटल तुम्हारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्शनल नेचर के हो जाएंगे, ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है यार, लोब्स जहाँ तक होती हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी वहीं में होती हैं। ठीक है, तो लोब्स इस एक्सिस के अलॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसी एक्सिस के अलॉन्ग होगी, और डायरेक्शनल ऑर्बिटल होते क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मिल जाए तो वो आपके डायरेक्शनल ऑर्बिटल हो जाएंगे। ओके, तो ये तीनों के तीनों एक्सियल भी होंगे और डायरेक्शनल भी होंगे। नोडल प्लेन की बात करें तो तीनों के पास जो होते हैं ना एक एक नोडल प्लेन होता है। मैंने क्या कहा था, हमारे पास तीन एक्सिस होती हैं एक्स वाई जेड, तीन एक्सिस को मिला के कितने प्लेन बनते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये तीन प्लेन होते हैं। और मैंने क्या कहा था, अगर तीनों में से किसी एक प्लेन जैसे कि एक्स वाई प्लेन है हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में अगर एक भी एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जाएगी तो नोडल प्लेन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके, तो देखो इसमें एक्स किस में आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, एक भी एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो नोडल प्लेन नहीं होगा, तो एक्स इसमें भी आ रहा है और इस प्लेन में भी एक्स आ रहा है, तो ये तो आपके नोडल प्लेन नहीं होंगे। एक्स किस में नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, तो पी एक्स में जो नोडल प्लेन होगा उसका नाम क्या होगा, उसका नाम हो जाएगा आपका जो नोडल प्लेन होगा वो कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन। ठीक है, उसी तरह पी वाई में देखिए वाई किस में नहीं आ रहा, इसमें वाई आ जा रहा,
इसमें वाई आ जा रहा, बच क्या जा रहा है जेड एक्स, तो इसका नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा, जेड एक्स हो जाएगा। उसी तरह पी जेड में, पी जेड का कौन सा नोडल प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई। ठीक है देख लो यार, जो कौन सी, ये तीन ही प्लेन होंगे ठीक है, इन तीनों प्लेन में जो एक्सिस नहीं आएगी, एक्स अगर पी एक्स का नोडल प्लेन देख रहे हो तो देख लो एक्स किस में नहीं है, पी वाई का देख रहे हो तो देख लो वाई किस में नहीं है, पी जेड का देख रहे हो देख लो जेड किस में नहीं है, तो नोडल प्लेन तुमको इजिली मिल जाएंगे। ठीक तो ये हो गया तुम्हारा पी सबसेल का, अब पढ़ लेते हैं यार डी सबसेल के बारे में। ओके अब चलो यार डी ऑर्बिटल के शेप और साइज और इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है देखो डी सबसेल के पास, डी सबसेल के पास पांच ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम ये होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है मैंने साफ लिख दिया है कि जो बिना, देखो जो बिना स्क्वायर वाले हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है नॉन एक्सियल मतलब ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, अभी दिखा रहा हूँ। देखो जो बिना स्क्वायर वाले हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस जो होते हैं वो नॉन एक्सियल होते हैं। जैसे डी एक्स वाई का जो शेप होता है वो ये होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये इसकी लोब्स होंगी बिटवीन द एक्स वाई एक्सिस होंगी। उसी तरह डी वाई जेड, देखो जेड एक्सिस तो ऐसी होगी, मान लो इसको अगर मैंने वाई मान लिया तो जेड एक्सिस ऐसी होगी तो मैं लोब्स नहीं दिखा पाऊंगा, इसलिए मैंने इसे ही जेड एक्सिस मान लिया। ठीक है तो वाई और जेड एक्सिस देखो बिटवीन द वाई जेड एक्सिस है इसकी लोब्स। उसी तरह यहाँ देखो जेड एक्स, तो इससे मैंने एक्स इससे जेड मान लिया, तो दोनों की एक्सिस के बीच में है। तो जितना जो ऑर्बिटल डी, देखो डी सबसेल में जो बिना स्क्वायर वाले ऑर्बिटल होते हैं वो सारे के सारे तुम्हारे क्या होते हैं, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि इनकी लोब्स जो होती है वो बिटवीन द एक्सिस होती है। लेकिन जो स्क्वायर वाले होते हैं जैसे डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये ऑर्बिटल तुम्हारे एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि इनकी लोब्स जो होती हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग होती हैं। ठीक है ये तुम्हारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सेफ है और ये डी जेड स्क्वायर का। देखो यार डी ऑर्बिटल का जो सेफ होता है वो ना वो डबल डंबल सेफ होता है। ठीक है पी का डंबल तो इसका डबल डंबल। ओके तो डी जेड स्क्वायर की लोब्स जो होंगी ऐसा ही होगा लेकिन लोब्स बिटवीन द मतलब अलोंग द एक्सिस होंगे, और डी जेड स्क्वायर जो होता है वो देखो डी जेड स्क्वायर का सेफ ऐसा होता है, लोब्स जो होंगी तुम्हारे जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी लेकिन एक इनके पास सर्कुलर रिंग होगी। ठीक है सर्कुलर रिंग जो एक्स वाई प्लेन में होगी। ठीक है ये जो सर्कुलर रिंग होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है तो ये रिंग जो होती है तुम्हारे एक्स वाई प्लेन में होती है, और इसे ही हम बेबी शूटर ऑर्बिटल कहते हैं। जैसे नहीं देखते हैं? बच्चे जब रोते हैं तो बच्चे के मुंह में कुछ देते हैं उसको वो करने के लिए, ठीक है तो जिससे बच्चा चुप हो जाता है, उसी की तरह देखो इसका ये पकड़ने वाला और ये जो देखो ठीक है तो ये बेबी शूटर ऑर्बिटल भी कहलाता है, कभी कभी पूछ देता है सीबीएसई में, मैंने देखा था तो मैं यहाँ पे लिख दिया। ओके तो देखो यार अब इन पांचों ऑर्बिटल के लिए ये सारी प्रॉपर्टी देखते हैं कि कौन सा एक्सियल कौन, देखो एक्सियल नॉन एक्सियल तो मैंने बता दिया, ये बिटवीन द एक्सिस हैं तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स ये तुम्हारे नॉन एक्सियल हो जाएंगे। अब डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल की बात करते हैं, ठीक है तो देखो ये तीनों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो जाएंगे, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो बिटवीन द एक्सिस वाले हैं। ठीक अब देखो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल की बात करते हैं, देखो यार इलेक्ट्रॉन देखो ऑर्बिटल्स की जो लोब्स हैं वो इस पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में है, इस पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में, देखो एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है और एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब हमें पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में मिल रही है। यहाँ पे भी देखो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में है तो उसे हम डायरेक्शनल कर देंगे। ठीक है इसमें भी देखो भले ही एक से ज़्यादा डायरेक्शन मिल रही है लेकिन मिल तो रही है डायरेक्शन, इसमें इस डायरेक्शन में है। ठीक तो ये ऑर्बिटल तुम्हारे क्या हो जाते हैं, डायरेक्शनल हो जाते हैं। अब नोडल प्लेन की बात करें तो इन सभी के पास तुम्हारे दो दो नोडल प्लेन होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, नोडल प्लेन तुम्हारे दो दो होते हैं। ठीक है अब देखो हमारे पास कितने प्लेन होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये तीन हमारे पास नोडल प्लेन मतलब प्लेन होते हैं। ठीक है अब देखो यार यहाँ पे कौन सा आ गया, एक्स वाई आ गया, एक्स वाई को छोड़ के जो दो प्लेन बन जा रहे हैं वो इसके लिए नोडल प्लेन हो जाएंगे,
तो डी डी एक्स वाई का नॉर्मल प्लेन कौन कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है यार, देखो लोब्स जो हैं वो बिटवीन द एक्स वाई एक्सेस है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन को छोड़ के जो दो प्लेन बच जा रहे हैं वाई जेड और जेड एक्स, वो इसके लिए नॉर्मल प्लेन हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। उसी तरह देखो डी वाई जेड में, वाई जेड को छोड़ के कौन सा बच जा रहा है, एक्स वाई बच जा रहा है और जेड एक्स बच जा रहा है वाई जेड को छोड़ के, तो ये दो नॉर्मल प्लेन इसके लिए हो जाएंगे वाई जेड के लिए। उसी तरह जेड एक्स के लिए दो नॉर्मल प्लेन कौन से हो जाएंगे, एक्स वाई और वाई जेड। ठीक है, तो इनके पास दो दो नॉर्मल प्लेन होते हैं जो बिटवीन द एक्सिस वाले होते हैं, लेकिन ये जो एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं इनके पास एक भी नॉर्मल प्लेन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो चूंकि ये किसी इनकी लोब्स पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग है तो ये एक्सियल ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, लोब्स पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग है तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डायरेक्शनल हो जाएंगे, डायरेक्शनल ऑर्बिटल हो जाएगा। अब देखो नॉर्मल प्लेन जीरो है इसके पास है, कैसे जीरो है, लोब्स जो है एक्सिस पे, यहाँ पे बिटवीन द एक्सिस थी, देखो लोब्स जो है एक्स एक्सिस पे है वाई एक्सिस पे है, तो कोई ऐसा प्लेन देखो जिसमें ना ही एक्स एक्सिस आए ना ही वाई एक्सिस आए। देखो हमारे पास ये तीन प्लेन होते हैं एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, क्या किसी में देखो इसमें एक्स वाई दोनों है, तो भाई ये तो नॉर्मल प्लेन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस भी आ रही है वाई एक्सिस भी आ रही है, और लोब्स एक्स एक्सिस पे भी है वाई एक्सिस पे भी है। ये देखो यहाँ पे वाई जेड आ जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स तो नहीं है बट वाई है, वाई है तो वाई है, तो देखो लोब्स वाई एक्सिस पे। मैंने क्या कहा था, अगर एक भी एक्सिस के अलॉन्ग, जैसे कि ये नॉर्मल प्लेन वाई जेड है, इसमें से जेड एक्सिस के अलॉन्ग मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये नॉर्मल प्लेन नहीं होगा। नॉर्मल प्लेन कहने के लिए पूरा जो ये प्लेन होता है इसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि वाई जेड में देखो जेड के अलॉन्ग नहीं है लेकिन वाई के अलॉन्ग है, तो ये नॉर्मल प्लेन नहीं होगा। उसी तरह जेड एक्स में देख लो, जेड एक्स में जेड के अलॉन्ग नहीं है लेकिन एक्स के अलॉन्ग तो है लोब्स, तो इसमें कोई भी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक ऐसा ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटल होता है जिसमें नॉर्मल प्लेन जीरो होता है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी देख लो डी जेड स्क्वायर में, डी जेड स्क्वायर में लोब जो है ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, लोब जो है आपकी जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये जो रिंग है वो एक्स वाई एक्सिस में है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में अगर रिंग है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो एक्स वाई प्लेन आपका तो नॉर्मल प्लेन नहीं होगा क्योंकि रिंग एक्स वाई प्लेन में और इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इस ये तो नॉर्मल प्लेन नहीं होगा एक्स वाई प्लेन। देखो वाई जेड क्या नॉर्मल प्लेन होगा, बिल्कुल नहीं होगा यार, क्योंकि देखो जेड एक्सिस के अलॉन्ग लोब्स हैं, भले ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग कुछ भी नहीं है लेकिन जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें मिल रही है, तो इस पूरे प्लेन में आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ये नॉर्मल प्लेन नहीं होगा। उसी तरह जेड एक्स में देख लो, भले ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है लेकिन जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इसमें भी नॉर्मल प्लेन नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल प्लेन कहलाने के लिए दोनों एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होनी चाहिए, तो नॉर्मल प्लेन इसमें भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ओके, देखो नॉर्मल प्लेन हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं, कैसे एज्यूम कर सकते हैं, ये देखो जैसे कि ये इसकी लोब्स तुम्हारी एक्स एक्सिस पे हैं वाई एक्सिस पे हैं, अगर हम एक्स एक्सिस से, ठीक है, ये फुट कितना एंगल होगा, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस से दो ऐसे प्लेन लें जो एक्स और वाई एक्सिस से कितने डिग्री पे हैं, 45 डिग्री पे हैं। ठीक है, देखो यार ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये जो दोनों हैं एक्स और वाई एक्सिस ऐसे ही रहेंगे। ओके, अब इनसे 45 डिग्री एंगल पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक ऐसा प्लेन लें, तो देखो यार ना इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है ना इधर मिल रही है, ना इधर मिल रही है ना इधर मिल रही है, तो ये क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है, मैं एक बुक में देखा था कि सब लोग जानते हैं कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कोई नॉर्मल प्लेन नहीं होता, लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में दिया था कि एक्स और वाई एक्सिस से अगर 45 डिग्री एंगल पे हम जाएं तो क्या हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है,
तो एक्स और वाई एक्सिस से 45 डिग्री एंगल मानकर दो ऐसा प्लेन लें जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। तो अपने वर्ड में लिख लेना कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स और वाई एक्सिस से दो हम ऐसे प्लेन लें जो एक्स और वाई एक्सिस से तुम्हारे 45 डिग्री एंगल पे, तो हमें वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, अपने वर्ड में लिख लेना। और यहाँ पे क्या है, इसे बेबी शूटर ऑर्बिटल कहते हैं, सर्कुलर रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में। ठीक, और एक बात और है यहाँ पे, जो डी जेड स्क्वायर होता है ना, इसके पास दो ऐसे कोन होते हैं यार, दो नोडल कोन होते हैं इसके पास। ये कोन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, देखो अभी देखना, ये एक कोन हो गया, ये एक कोन हो गया। तो देखो ये दो कोन नहीं बन रहा है, तो ये भी लिख लेना कि इसके पास दो नोडल कोन होते हैं, नोडल कोन होते हैं डी जेड स्क्वायर के पास। ठीक है, तो ये यार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है ऑर्बिटल के शेप और ये कुछ प्रॉपर्टी के बारे में कि कौन सा एक्सियल कौन सा नॉन एक्सियल है, क्योंकि जब बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हमें पता रहना चाहिए कि कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग हुआ कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग नहीं हुआ, तभी हम आपकी ओवरलैपिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला लेक्चर हो गया, अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तुम्हारा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।